तो रेसलमेनिया 40 की जो नाइट हुआ है वो जो शुरुआत हुई है, और अगर मैं शुरुआत में एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ तो समझ लो कि कुछ बड़ा हुआ है, बिकॉज डेमियन प्रीस्ट बन चुके हैं तुम्हारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रेसलमेनिया 40 की जो नाइट का किक ऑफ वाला मैच होता है वो होता है सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच में। लिटरली क्या मैच था, मजा आया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लेकिन आखिर में किसी तरीके से मैकइंटायर कैपिटलाइज करते हैं, वो आते सेथ रॉलिंस से ओवरकम करके उन्हें क्लेमोर लगाते न्यू वर्ल्ड बन जाते हैं। अब दिक्कत यहां पर ये होती है कि ड्रू मैकइंटायर के चुल मचते रिंग साइड पे सीएम पंक होते हैं, उन्हें बहुत ताना मारते हैं, तो वो जाके सीएम पंक के पास में टाइटल वाइटल बिछा देते हैं और मॉक करते लगातार पंक को। अब पंक से भाई कंट्रोल होता नहीं है, फाइनली पंक लेते वो जो उनके हाथ में बेस लगा था ना वही उतार के मारना शुरू कर देते हैं ड्रू मैकइंटायर के। जैसे ही ड्रू डाउन होता है रिंग साइड के ऊपर थीम सॉन्ग बजता है डेमियन प्रीस्ट का। डेमियन प्रीस्ट दौड़ते हुए आते हैं सीधा अपना जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है पहले वो मारते हैं ड्रू मैकइंटायर के चेहरे के ऊपर, उसके बाद उन्हें रिंग के अंदर भेजते हैं, उसके बाद लगाते हैं साउथ ऑफ हेवन एंड गेस व्हाट 1, 2 एंड 3 होता है और मैच के अंदर विक्ट्री हो चुकी है डेमियन प्रीस्ट की और वो है अब तुम्हारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। मतलब ये कुछ ज्यादा वो वाली चीज होगी जो कि एक्सपेक्ट नहीं थी। हाँ, मुझे लग रहा था कि शायद सीएम पंक के कारण किसी तरीके से मैकइंटायर के ऊपर कैश इन हो जाएगा और वो टाइटल हार जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में हो जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं की थी। क्राउड तो एकदम सरप्राइज होता है, भैया ये हुआ क्या, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर जस्ट तो जीते थे, वो बंदा फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसका मौका दिया नहीं डेमियन प्रीस्ट ने। उसका जजमेंट डे आती है, जैसे ही डेमियन टाइटल जीते तुरंत लेके दौड़ा एंट्रेंस रैप के ऊपर, वहां पूरे जजमेंट डे के साथ में रियूनियन होता है। इसके बाद पंक जो है आराम से बैठे होते अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, वहां बैठे हुए ताली बजा रहे थे क्योंकि ड्रू मैकइंटायर ने उनसे पंगे लिए, ड्रू मैकइंटायर को उन्होंने कॉस कर दिया, दैट्स इट। और मैकइंटायर इनके बीचों बीच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए थे। तो इस वाली चीज को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, जब डेमियन प्रीस्ट तुम्हारे न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और ड्रू मैकइंटायर के पास से टाइटल आने की देर नहीं, टाइटल जाने की देर नहीं, ये वाला सीन हो गया है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। मुझे लगा पहले मैं सीधा आखिरी में डालता हूँ वीडियो, लेकिन रिएक्शन ही मेरा कुछ ऐसा था, मुझे लगा क्यों ना वीडियो बना ही दी जाए। साथ ही जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। बाकी अब मैं मिलूंगा डेफिनेटली तुमसे डायरेक्टली मेन इवेंट के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।